पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोनिम दोनों का एनसीईआरटी का एमसीएक्स क्वेश्चन बताए थे और जैसा कि कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज इसको शुरू करते हुए यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो ताकि 9th के बाद 10th में भी काम देगा, 11th और सर में काम देगा। लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट जो लिखना सकते, 9th से कोई कॉमेंट्स नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हुए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज का, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो सबसे पहले सारणी बनाना है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन का। पहला इट है मास ऑफ 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको रिलेटिव मास कहते हैं। और प्रोटॉन का मास है 1, मतलब कि इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और न्यूट्रॉन का भी मास 1 है, इसका मतलब इट्स मास इज जस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव मास। नंबर सेकंड है एब्सोल्यूट मास, इट्स एब्सोल्यूट मास इज 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 31 केजी। और प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास हमारा 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10^-27 केजी। न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट मास है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10^-27 केजी, मतलब मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर होता है। नंबर थर्ड है इट इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन इट इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसको न्यूट्रल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है तुम्हारा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे.जे. थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। जेम्स जूलियट थॉमसन के द्वारा प्रपोज किया गया एटम का जो मॉडल है उसकी सीमाएं क्या है। नंबर ए है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। नंबर बी है इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों उत्पन्न होता है इसकी व्याख्या भी यह नहीं करता है। इसकी विशेष जानकारी तुमको 10+2 लेवल में मिलेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, अभी सिर्फ इतना ही जानना है। नंबर क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है तुम्हारा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का सीमा लिखिए। नंबर फर्स्ट है रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। दिस इज बिकॉज व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इसका कारण है कि जब कोई आवेशित कण सर्कुलर ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है इट कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी, तो इससे लगातार ऊर्जा निकलता है। नंबर सेकंड है रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, रदरफोर्ड मॉडल हाइड्रोजन एटम और अन्य एटम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। नंबर फोर्थ है डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। नंबर तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल के अनुसार नंबर ए है एन एटम इज मेड अप 3 पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, परमाणु 3 कण से बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नंबर बी है द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, परमाणु के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है जिसका आकार संपूर्ण परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, वहां न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहता है। नंबर सी है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित स्थिर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है जिसको ऊर्जा स्तरीय सेल कहते हैं। नंबर डी है देयर इज ए लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ईच एनर्जी लेवल्स कैन होल्ड, कदहार एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का एक निश्चित नंबर होता है, जैसे कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ सेल में 50 इलेक्ट्रॉन,
होता है। नंबर ई है ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एनर्जी लेवल या सेल का में ऊर्जा की निश्चित मात्रा निहित रहती है। नंबर एफ है देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का ह्रास करता है रेडिएट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है जब तक वो एक ही कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। एंड द एटम रिमेंस स्टेबल, इस प्रकार परमाणु अस्थायी हो जाता है।